बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दा तो मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ है, आई एम बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। लीजन को डेड करते हैं, फिर लंपेक्टमी करते हैं और मार्जिन उसी तरह चेक कर सकते हैं जस्ट लाइक आप जैसे एक बायोप्सी जो सर्जिकल लंपेक्टमी उसका करते हैं उसी को उसी तरीके से आप यू कैन चेक इट। बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कि उसमें सर्जिकल लंपेक्टमी में तो मार्जिन सराउंडिंग सारा नज़र आ रहा था, यहाँ कोर्स है, यू डोंट नो कि कोर कहाँ से आई है। बट इसका MR चेक करता है, ऑलरेडी बताया कि लीजन इज देयर इन द ब्रेस्ट, हमने माइक्रोवेव किया, उसके बाद हमने MR किया, देर इज मतलब लंपेक्टमी की और उसके बाद MR किया। MR एक्चुअली बताता है कि देर इज नथिंग विद इन कपल वीक्स, एक्चुअल प्रोटोकॉल इज 4 वीक्स। ठीक है, तो इसमें दिस इज द प्रोटोकॉल के लीजन तो डेड कर दिया हमने, अब लंपेक्टमी इज एडिशनल थिंग, वी वी आर नॉट डूइंग ओनली फॉर लंपेक्टमी, हमने लीजन डेड कर दिया विद एब्लेशन, दिस इज द प्रोटोकॉल। और ये सारे प्रोटोकॉल गाइडलाइंस नहीं है, देयर नो गाइडलाइंस आर हियर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, थायरॉइड एब्लेशन फॉर एग्जांपल इसी केस में सक्सेस रेट फॉर फेलियर इसका प्रोसीजर फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन और एब्लेशन, ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं। एब्लेशन के साइड इफेक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप करते हैं, बट देयर इज वेरी डिफिकल्ट के उसमें आप एब्लेशन में पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड को बिल्कुल TPS गाइडेड टच नहीं कर सकते, ट्रांसफर टर्मिनल हम ऊपर से ही करते हैं, TPS गाइडेड बहुत कम प्रोसीजर किए हुए हैं। एम्बोलाइजेशन में देखिए, अगर एनाटॉमी डिफरेंट है दैट इज द इशू, फाइब्रॉइड इज ह्यूज वन देन दैट इज द इशू, अदरवाइज रिजल्ट्स आर मार्वलस, बहुत अच्छे रिजल्ट। मतलब मेरे पास बहुत सारी केसेस हैं जिनका वो नॉर्मल, मतलब आफ्टर अ फ्यू मंथ्स लाइक 3 to 6 months 100% ऑल फाइब्रॉइड्स गॉन, देयर इज नथिंग आफ्टर एम्बोलाइजेशन एंड ऑपरेशन बहुत। तो एम्बोलाइजेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फेलियर कब होता है, जब देयर इज चेंज ऑफ एनाटॉमी या हम दोनों साइड में ना करते उसमें चांसेस होता है। अगर आपने एंजियोग्राफी की और देखा कि फीडिंग इज फ्रॉम बोथ साइड्स, तो डेफिनेटली यूजुअली होती है लार्ज फाइब्रॉइड में यूजुअली फीडिंग वेसल फ्रॉम बोथ साइड, तो आपका एम्बोलाइजेशन दोनों साइड में से करती है, तो दैन रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा। रिग्रेंस उस वक्त होती है जब आपने एम्बोलिक मटीरियल कम यूज किया प्रॉपर एम्बोलाइज नहीं किया, तो और समटाइम्स देयर इज शंटिंग, शंटिंग हो जाए तो फिर आपका रिग्रेंस रेट बढ़ता है क्योंकि एम्बोलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। डॉक्टर वैस आपने पता करते हैं यहाँ टी लगी साथ टी स्टार है, बाकी क्वेश्चन जी पे कर लेंगे स्टार डन। लास्ट क्वेश्चन नहीं करना, अच्छा ये छोटी छोटी टिप्स हैं, गॉल ब्लैडर मैस को सीटिंग उसकी 100% राइट, उसकी कोर बैटरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड अब नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड अभी तक गाइडलाइंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है 22 डेज मैंने जी कर ताकि सीटिंग ना हो और उसकी कोशिश करें फिर उठाने। और अब कुछ नई टेक्निक्स आ गई, नई टेक्निक्स क्या हैं, अब मीटर डालते हैं और आप ट्रैक एम्बोलाइजेशन करते हैं विद जेल, अगर वो आप करते हैं दैन इट सेफ। सीटिंग गॉल ब्लैडर की इतनी ज़्यादा होती है कि आपने कोर बैड सी की नहीं उसका सीटिंग कर लें आपको बाद नहीं आपको नजर आ जाए क्या हुआ पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। जब भी आपने जेल फोम का प्रोग्राम बनाया आप RCC की वैक्सीन करने जा रहे हैं सर, उसमें कोई फिल करें आप कोई मीटर डालें उसके थ्रू जितनी मर्जी वैक्सीन करें, वैक्सीन करने के बाद जेल फोम का प्रोग्राम लें उसमें डीजी के अंदर से लाइन से पुश कर लें, तो दैट इज ट्रैक एम्बुलेशन विद जेल फोम। जी थैंक यू वेरी मच। आप डी के लिए